this is what I'm saying, the beauty of Istanbul, so beautiful in the night. Wow, you can see from here, so beautiful place and so beautiful mosque. अगर आप वेजिटेरियन हो तो ट्रैवल करने के लिए आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, कहीं भी जाओ, चाहे मैकडोनल्ड जाओ, बर्गर किंग जाओ, कहीं पर भी जाओ, आपको वेज मिल ही जाएगा। ज़्यादा भी कॉस्ट नहीं, सेम लाइक इन इंडिया कॉस्ट रहती है, और बढ़िया चीज़, हाइजीनिक, बढ़िया क्वालिटी मिल ही जाती है। दिस इज ओनली पोटैटो, ओके, इट्स अ पिज़्ज़ा, एक्चुअली इट वाज लाइक दिस साइज, हां, दे आर कटिंग हाफ एंड गिविंग लाइक दिस, या दैट्स सो नाइस, सी इज रियली किक बॉक्सर भाई, पूरी एक्टिव, मैंने एक्टिव लड़की ली देखी भाई, इतनी भाई, क्यों कोई गाड़ी वाला रोक नहीं रहा तो भाई सीधी मिडिल फिंगर दिखा रही है, ये क्यों नहीं रोक रहा भाई। मॉर्निंग दोस्तों, रात काफ़ी लेट हो गए थे यार, नियर अबाउट 12-1 बज गया था तुर्की का, और पहुंचते पहुंचते, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा कमरा है बिल्ली के घर में, और ये सामान पड़ा है, इधर पड़ा है, और यहाँ से आप सीधा डायरेक्ट इसके पार से देख सकते हो इस्तांबुल का व्यू, देखो भाई एकदम ज़बरदस्त व्यू आ रहा है ना, ये व्यू है, और ये इनका मतलब हर घर में हीटर तो ऐसा होता ही है यार, ठीक है, ये काउच सोफ़ा वगैरह है, और सारा कुछ परफेक्ट है, काफ़ी बड़ा घर है। और अभी मैं दोबारा फिर से अर्ली मॉर्निंग उठ के जा रहा हूँ, थोड़ा सा एक काम है, एक दोस्त को मिलना है, और बिजनेस मीटिंग है, तो वहाँ से बाद में, उसके बाद में देखते हैं, वापस आऊँगा शाम तक हो जाएगा घर आना यहाँ पे। और इंटरनेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, सिम ले लेता तो 4000 लग जाते, और नहीं लिया तो प्रॉब्लम भी आ रही है, बट मैंने काफ़ी कंट्री में विदाउट सिम भी ट्रैवल किया है, तो आई नो हाउ टू ट्रैवल विदाउट इंटरनेट, सो आई कैन इट। सुबह ये व्यू मिल रहा है, और कॉफ़ी, तुर्किश कॉफ़ी, ओ वाह, तुर्किश कॉफ़ी के साथ साथ, और सुबह सुबह ये देखो भाई फ्लाइट का नज़ारा है, और कॉफ़ी अच्छी मिल रही है, अच्छा व्यू है, अच्छे व्यू के साथ। आज तीसरा दिन है तुर्की में, इस्तांबुल में, और अभी एक मेरे को बहुत ही खूबसूरत जगह दिखी है, ये देखिए, काफ़ी लोकल पीपल्स आते हैं शाम को, और यहाँ पे फ्लैग्स देखो कितने खूबसूरत लगे शाम को आते हैं, पर थोड़ा सा एक चीज़ मैंने देखी है डिफरेंस यहाँ में, क्या है, लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, देखो भाई इतने सिगरेट के टुकड़े पड़े ना, इतनी साफ़ सुथरी जगह को ये गंदा कर रहे हैं, और ये व्यू देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और जो मेन बात है वो क्या है, यहाँ पे लोग उठते हैं ना जो लेट उठते हैं, मतलब यार 12 बजने वाले हो गए, अभी तक किसी ने कोई उठा ही नहीं है, और ज़्यादा कोई शॉप्स खुली नहीं है, ये एक मेन लोकल मार्केट है, तो बिली मेरे को यहाँ पे लेके आई है, और यहाँ पे हम खाते हैं पिज़्ज़ा वगैरह खाएंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरे को भूख लगी है भाई, 12 बज गए इंडिया के तो 2:30 बज गए। ये एक पोटैटो से बना हुआ है, दिस इज ओनली पोटैटो, ओके, इट्स अ पिज़्ज़ा, एक्चुअली इट वाज लाइक दिस साइज, दे आर कटिंग हाफ एंड गिविंग लाइक दिस, या दैट्स सो नाइस, ये बहुत ही अच्छा है भाई, मतलब मजा आ रहा खाने में, चपाती, चपाती इनसाइड पता है, या सो टेस्टी भाई, बहुत ही अच्छा है, अच्छा लगा, यहाँ पे देखा लोग तरते फिरते खाते हैं, चलते फिरते खाते हैं, तो हम भी चलते फिरते खा रहे हैं, अच्छा चीज़ है। तुर्की में देखो कितना पुराना ट्रैक्टर है, एक नंबर का ट्राली भी पीछे खड़ी है, जी बना रखी है। अभी हम आए हैं भाई समुंदर के इस साइड में, समुंदर नज़दीक ही है, और जो इस्तांबुल है वो 50 किलोमीटर इधर रह गया, तो बिली लेके आई अपने दोस्त के घर पे, और काउंसल भी क्या रहता है, यही रहता है, आप तो लोगों से मिलते हो, लोगों से मिलते हो, और लोगों से मिलते हो, और इसी वजह से मेरा थोड़ा सा टाइम था जिस मेरे दोस्त से मिलने जाना था, वो तो थोड़ा सा अभी मेरे को बोल रहा है मैं थोड़ा बिजी हूँ, बिज़ी हूँ, तो मैंने कहा चलो सीधा टैक्सी लेके पहुँचूँ वहाँ पे, मैं उसी की वेट कर रहा हूँ, तब तक मिली के दोस्त ने घर पे ब्रेकफास्ट रेडी किया और मुझे इनवाइट किया, तो दिस इज थिंग, तो यह मिली का दोस्त है भाई, देखो वेट कर रहा है, ये अभी आए हैं, हेलो हुसैन, हाय डियर, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस डेलिशियस ब्रेकफास्ट, You're welcome. Oh my God. For mushroom. Mushroom. Yeah, mushroom. Okay, and how do we call in bread?
Ekmek. This is ekmek. Ekmek. And this one? Avocado. Avocado and tomato. Tomato. And the most famous Turkish chai. Chai. And also cheese. That's so nice. Yeah. Thank you so much. Okay. What is this? Ajuka. This is a salsa, like a salsa sauce. Okay. Yeah. Sauce. Like my mom made and you love it. Oh yeah, yeah. It's this is like kind of similar, but this is different one. Yeah. That's nice. And the cheese is. This one is same like in India, like. Probably yeah. You can taste like many spicy in it. Yeah. And very and tomato like, and garlic. Mushroom. And spices. Yeah. That's nice. Same. Almost same. So nice view from here also, and I will introduce you guys one more Turkish girl. Hi. What is your name? My name is Seher. Seher, I forgot. So sorry. Yeah. Now I never forget because in India we call city to Seher. Oh, wait. Why? Yeah. They need to stop, but they can't. Oh. Oh my god. Billy is really crazy. She is really kickboxer. Look, there is no traffic lamp. That's mean they need to stop. Yeah. She is really kickboxer, bhai. Puri active. Maine active ladki li dekhi bhai itni bhai kyon? Koi gaadi wala rok nahi raha to bhai seedhi middle finger dikha rahi hai. Bhai ye kyon nahi rok raha bhai? Traffic light hai nahi. रुकने के लिए तो ये बोले फर्स्ट प्रेफरेंस हमें ही देनी पड़ेगी आपको, नहीं दे रहे हो तो भाई भाड़ में जाओ. ऐसे होना चाहिए, ब्रेव होना चाहिए बंदा यार, तभी तो अकेले घूम सकते हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती आपको. नहीं तो भाई हर लोग आपका पता ही, आपको फ़ायदा ही उठाते हैं. अभी हूँ मैं इस्तांबुल में, दिस इज़ माई लास्ट डे. एंड अभी मैं आया हूँ बिली की फैमिली के साथ, तो बिली वहाँ पे फार्मेसी में दवाई लेने गई है. और मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पे, ये देखो भाई, ये है यहाँ का लगा लो एक छोटा हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी कह लो. मेरे को इतना अच्छा लगा अंदर जाके, इतनी फैसिलिटी है यार, इतना साफ सफाई जितना यार जैसे इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल हो. अब मेरे को ऐसा लग रहा है अभी या तो ये तब पॉसिबल है, पॉपुलेशन कम है, लोग एजुकेटेड से हैं तो थोड़ा सा पॉसिबल है. तो अगर कोई भी कंट्री की डेवलपमेंट देखी जाए, हाँ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ रहता है, करप्शन बचाती है, सारा कुछ ये होता है, बट आई थिंक अगर लोग भी साथ दें ना गवर्नमेंट का, तो भाई ये जो सफाई दिख रही है आपको, गेट वगैरह तो ऐसे बिना कलर्ड हुए हैं, पर बाकी सफाई, ये देखो सड़कों के तरफ आपको हर तरह जो है देखिए सफाई लगेगी. गाड़ी खड़ी है, पार्किंग में खड़ी है, और ये बिली के फादर हैं, और जो ये वैन ड्राइव करते हैं, ये मॉर्निंग जाते हैं और इवनिंग में वापस आते हैं. ये चीज़ तो एक कॉमन है. वो क्या है भाई, आप इंडिया की तरह यहाँ पे भी एक आदमी काम करता है और बाकी दो चार घर पे बैठे रहते हैं, तो ये बात यहाँ पे भी कॉमन लगी है मेरे को. तो ये डिस्कस मैंने बिली से भी किया, तो एक्चुअल में ऐसा होना नहीं चाहिए. तो हम डिस्कस कर रहे थे भी इंडिया में नियर अबाउट मेरे को लगता है अभी 60% लोग है जो टोटल पॉपुलेशन के, वो कुछ करते ही नहीं है. मतलब यार जो 40% में से 20% आधा काम करते हैं और उन्हीं पे डिपेंड फैमिली रहती है, और 20% करते हैं उनमें से थोड़ा अच्छा करते हैं, 10% तो टॉप अच्छा करते हैं, और 5% जो हाई लेवल का काम करते हैं. इंडिया में ऐसा है. अगर आप सोच के देखो, अगर 100% में 60% लोग काम करने लग जाए, 70% लोग काम करने लग जाएं, चाहे वो मैन हो वूमेन हो, तो यार करंसी क्या कंट्री बदल जाएगी, मेरे को ऐसा लगता है. और अभी काम करने वाला टाइम भी नहीं रहा है, मेरे को ऐसा लगता है अभी टाइम है बिजनेस करने का. तो इंडियंस लोगों को बिजनेस करना चाहिए, आई थिंक सो. इफ़ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, यू जस्ट कीप योर सेल्फ वन थिंग दैट यू विल गो गिव जॉब टू 5%. अगर आप 5% को जॉब दे रहे हो तो आप सक्सेसफुल हो, मेरे को लगता है ऐसा. क्योंकि मैंने थोड़ा सा इसमें किया है, अभी मेरे को अच्छा लग रहा है. आप 5 लोगों को जॉब देने वाले बन जाओ,
आप ऐसा नहीं, अभी आप गरीब हो या गवर्नमेंट जॉब जूब सब पीछे रह जाएगी, बहुत पीछे रह जाएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और फ्लाइट आज शाम को है मेरी, यहीं से है लंदन की। तुर्की में जो कारपेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, मैंने ये सुना था। वाकई में इनकी जो क्वालिटी है ना स्टफ़ की, बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छे कारपेट्स मिलते हैं तुर्की में। कभी दोबारा मौका लगा ना तो तुर्की से मैं कारपेट जरूर लेके जाऊंगा यार क्योंकि यार वाकई में क्वालिटी यहाँ पे सुपर क्वालिटी होती है तुर्की की। मोस्टली दुबई में भी, अबू धाबी मैंने देखा है, वहाँ पे भी लोग ना तुर्की के कारपेट यूज करते हैं ज़्यादातर, तो अच्छा है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे भी। देखो यहाँ पे एग वगैरह मिलते, मसाला वगैरह, ये देखो अपने वाली सारी दालें मिल रही है, मूंग वगैरह सब कुछ मिल रहा है, मक्की छोले बड़े छोले भाई देखो। नीचे पैर स्लिपरी हो रखे हैं, पता नहीं क्या बात है। मिर्चें देखो कितनी खूबसूरत पड़ी है, देखो टमाटर छोटे बड़े सारे टमाटर पड़े हैं भाई, क्वालिटी की चीज़ें मिलती है, ये बात तो नहीं। यहाँ पे जैसे लोकल बाज़ार है तो ये भाई हफ्ते में एक दो बार आते हैं, जैसे हर मार्केट में हर तरह लोग करते हैं और लोकल बाज़ार से अपने जो डेली रूटीन का सामान है जो खरीद लेते हैं। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, देखो यार यहाँ पे केला बहुत महंगा भाई, 45 लीरा का एक किलो केला है, 25 लीरा का ये है, ये संतरा 35 लीरा का, तीन गुना लगा लो। स्ट्रॉबेरी देखो कितनी 50 लीरा के हिसाब से मिल रही है, महंगी है थोड़ी सब्जियाँ वगैरह यहाँ पे इंडिया की, इसका तीन गुना लगा लो। ये देखो 18 रुपये का गोल्डन सेब है भाई, तो इंडिया में लगा लो सस्ते हैं यार काफ़ी, तुर्की में थोड़ा महंगा। रेवोल्यूशन जो तुर्की का आया है ना, जो करंसी आज से कुछ साल पहले, मतलब करंसी बहुत अच्छी थी इनकी, बट अभी इनकी करंसी बहुत ही ज़्यादा कम हो चुकी है। मतलब कोई टाइम में इनका करंसी का जो एक यूएस डॉलर 3 लीरा से आ जाता था, आज अगर यूएस डॉलर की बात की जाए तो मेरे को लग रहा है नियर अबाउट 28 लीरा लगेगा, 28-30 लीरा लगेगा तो एक डॉलर आएगा, तो इतना रेगुलेशन आया इनका तुर्की में। ये देखो भाई पेठा कैसे काट के रखा हुआ है, क्यों कितनी अच्छी क्वालिटी होगी, क्वालिटी यहाँ पे मिलती है, ये बात तो है, चाहे सब्जी में लगा लो, चाहे फ्रूट में लगा लो, चाहे किसी भी चीज़ में लगा लो। गोभी के फूल इंडिया में देखे कितने कितने बड़े होते होंगे ये बताओ पहले। अब ये गोभी का फूल पता कितना बड़ा है, मेरा हाथ देख लो, और ये गोभी का फूल देखो कितना बड़ा होगा भाई, इतने बड़े गोभी के फूल मैंने तो देखे ही नहीं है यार, कितने कितने बड़े होंगे देखो, है कि नहीं, काफ़ी बड़े हैं गोभी के फूल है सारे, ये बहुत बहुत बड़े हैं, ये देखो मेरा हाथ तो छोटा सा रह जाता है और ये गोभी का फूल बहुत बड़ा रहेगा। मच्छी देखो किस तरह की,